हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा। एस्ट्रो मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर एस्ट्रो मंत्रा। आज 7 मई साल 2024 दिन मंगलवार है। पंचांग की बात करें तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो कि सुबह के 11:40 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र है, जो कि दोपहर के 3:23 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। योग में आयुष्मान योग है, जो कि शाम के 8:59 तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग है। करण में आज शकुनी करण है, जो कि सुबह के 11:40 तक रहेगा। उसके बाद चतुष्पाद करण है। शक संबत 1946, क्रोधी नाम संबत्सर, विक्रम संबत 1981, पिंगल नाम संबत्सर। आज चंद्रमा मेष राशि में स्थित हैं। आज सूर्य मेष राशि में हैं। आज सूर्य का नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। मुहूर्तों की बात करें तो पंचांग के अनुसार आज का विशेष ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:11 से 4:53 तक रहेगा। आज का प्रातः संध्या 4:32 से प्रातः 5:35 तक। आज का मित्रों अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज प्रातः 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से दोपहर 3:26 तक रहेगा। मित्रों आज का गोधूली मुहूर्त शाम को 6:59 से शाम को 7:20 तक रहेगा। आज का शाम संध्या की बात करें तो शाम को 7 से लेकर के 8:04 तक रहेगा। आज का अमृत मुहूर्त प्रातःकाल 8:59 से 10:27 तक प्रातःकाल रहेगा। आज का निश्चित मुहूर्त रात्रि 11:56 से रात्रि 12:39 तक। आज मित्रों सर्वार्थ सिद्धि योग भी शुरू है, जो प्रातःकाल 5:35 से शुरू होगा और यह अगले दिन 3:32 तक दोपहर तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग यानी कि 5:35 प्रातःकाल से दोपहर 3:32 तक रहेगा। तो मित्रों ये रहा आज का विशेष पंचांग और महामुहूर्त। आगे हम बात करते हैं मित्रों आज का राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातक, आज के दिन आप सतर्क रहें, स्वभाव में उग्रता न लाएं। आज के दिन आपको वाहन चलाना सतर्कता के साथ रहेगा। आज आपका ग्रह का राशि का जो ग्रह है वह मंगल आज आपके जीवन में विशेष रूप से शांति, स्थिरता और यात्रा में दुविधा की स्थिति उत्पन्न करेंगे, इसलिए आज यात्रा दुविधा में न पड़े, यात्रा न करें। 60% भाग्य साथ देगा। शुभ रंग लाल है, सिंदूरी है, शुभ अंक 9 है, पूज्य देवता हनुमान जी हैं और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यह विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए जो 2 का जप करने से विशेष लाभ मिलता है, इससे मेष राशि के जातक को धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। मेष राशि के जातकों के प्रतिदिन इन 2 का जप करना है, तो मैंने 1 तो आपको बताया। यह मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हूँ फट, और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यह विशेष महामंत्र आज आपको जप करना है। आज आपका भाग्य साथ देगा और कर्म भी साथ देगा। 60-40 का रेशियो रहेगा, 60% भाग्य और 40% कर्म साथ देगा। आज के दिन यात्रा को टालने की ज़रूरत है। आज का दिन आपका शुभ हो, इसी कामना के साथ हम बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले मित्रों 70% भाग्य साथ देगा, 30% कर्म साथ देगा। आज
आपके जीवन में शुक्र जो है उग्रता को कम करेंगे, गुस्से पर काबू करने की जरूरत है। पिता पुत्र के बीच के संबंधों में मधुरता बनाने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ अंक 6 है। 6, 15, 24 वाले जातक आपके लिए विशेष कारगर रहेंगे। शुभ रत्न हीरा। पूज्य देवता माँ भगवती माँ दुर्गा, ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। वृषभ राशि के जातकों को विशेष रूप से इस महामंत्र के जप करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृषभ राशि वाले जातक धन यश और वैभव की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रतिदिन इस महामंत्र का 108 बार जप करें, निश्चित तौर पर जीवन में खुशियां आएंगी। बात करते हैं मित्रों अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं, आपका भाग्य आज 70% साथ देगा। आज आपके जीवन में उग्रता से दूरी बना कर रखना है। आप निष्ठुर ना बने, उग्र ना हो, और आज आपके जो संबंध हैं संबंधों में मधुरता लाने की जरूरत है। भगवान गणपति आपके जीवन में खुशियां देंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस महामंत्र के साथ साथ ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस महामंत्र के जप करने से आज के दिन विशेष रूप से गणपति प्रसन्न होंगे। मिथुन राशि वाले जातक धन यश और वैभव की प्राप्ति के लिए जैसा कि मैंने आपको महामंत्र बताया, आज का यह विशेष महामंत्र गणपति ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस महामंत्र का भी जप आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। योग प्राणायाम से दिन की शुरुआत करें। आज के दिन मिथ्या आप वार्ता न करें। अगर आपके जुबान के कारण कोई कार्य लाभान्वित नहीं होता तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। आज सतर्कता से यश धन और वैभव की प्राप्ति करने के लिए जो मैंने महामंत्र बताया उसका प्रयोग करना है, निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मित्रों अगली राशि एस्ट्रो मंत्रा की। अगली राशि कर्क राशि है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। शुभ रंग सफेद है और कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज विशेष रूप से भाग्य जो है 60% साथ देगा। और आज कह सकते हैं कि आपके मन के अनुकूल कार्य होगा। आज परीक्षा के अच्छे परिणाम आएंगे। आज आपके संतान भाव का विशेष रूप से ध्यान दें तो संतान भाव का जो मालिक है वह आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति दिलाएगी। संतान का सुख की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आज गरीबों के बीच में चावल दान करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। आज शुभ रत्न मोती आपको विशेष लाभ की प्राप्ति कराएगा। भगवान शिव का यह महामंत्र ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः। कर्क राशि वाले जातक को इस महामंत्र का जप करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले जातक धन यश और वैभव की प्राप्ति के लिए विशेष प्रतिदिन अगर एक माला जप करें और आज चावल दान करें, भगवान शिव के शिवलिंग पर चावल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का महामंत्र का जप करते हुए चावल चढ़ाएं और उस चावल को किसी गरीब को अर्पण कर दें, आज का दिन विशेष शुभ होगा। मित्रों बात करते हैं अगली राशि। अगली राशि सिंह राशि है जिसके स्वामी ग्रह सूर्य देवता हैं। शुभ रंग गुलाबी है। शुभ अंक 1 है। 1, 10, 19, 28 आपके लिए शुभ है। शुभ रत्न माणिक्य है। पूज्य देवता भगवान सूर्य हैं और आज कह सकते हैं कि 60% यानी फर्स्ट क्लास तक 60% भाग्य साथ देगा, 40% कर्म साथ देगा। जल्दीबाजी में आज काम को नहीं करना है, आज धैर्य से कार्य को लेना है तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति देता है। और साथ ही साथ जातकों को यश और धन वैभव की प्राप्ति के लिए
आज के दिन विशेष रूप से जो मैंने महामंत्र बोला है ओम क्लीम ब्राह्मणे नमः, इस महामंत्र का एक माला जप करें और आज के दिन आपको विशेष रूप से भगवान सूर्य को जल देना है, अर्घ देना है। अगर बन सके तो आज एक चमत्कार कर लें, नारियल का जल से भगवान सूर्य को अर्घ दें, ओम भास्कराय नमः, इस महामंत्र के साथ अगर आप अर्घ देते हैं तो निश्चित तौर पर आज की विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मित्रों अगली राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी ग्रह बुधदेव हैं। 70% भाग्य साथ देगा, 30% कर्म साथ देगा, 5, 14, 23 ये तीनों अंक विशेष लाभकारी रहेंगे गणपति भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ओम नमः पिम पीताम्बराय नमः, इस महामंत्र का जाप करें कन्या राशि के जातकों के लिए। इस महामंत्र का जप करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कन्या राशि वाले जातकों को धन यश और वैभव की प्राप्ति होती है। कन्या राशि वाले जातक आज के दिन विशेष रूप से गुस्सा न करें और आप अपने ऑफिस में किसी से झगड़ा न करें, साथ ही साथ यात्रा में विशेष धैर्य और शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर आज का दिन आपका शुभ होगा। बात करते हैं मित्रों अगली राशि तुला राशि, जिसके स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं, शुक्र हैं और 60% भाग्य साथ देगा, 40% कर्म साथ देगा। शुभ रंग सफ़ेद है, 6, 15, 24 रत्न आपके लिए लाभकारी है, हीरा रत्न आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। माँ भगवती का यह महामंत्र ओम त्वा निरंजनाय नमः, इस महामंत्र का जप करें और आज के दिन विशेष रूप से इस महामंत्र के जप करने से तुला राशि वाले जातकों को धन यश और वैभव की प्राप्ति होगी। एक माला निश्चित तौर पर आज के दिन जप करें तो आपके जीवन में कल्याण होगा। इसी के साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज भाग्य 80% साथ देगा, 20% कर्म साथ देगा। हनुमान जी की आज विशेष कृपा रहेगी, धन यश और वैभव की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस महामंत्र का जप 108 बार जरूर आज करना चाहिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट स्वाहा, यह महामंत्र के साथ साथ ओम नारायणाय सर सिंहाय नमः, इस महामंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर आज आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। बात करते हैं मित्रों अगली राशि धनु राशि है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं। आज 75% भाग्य साथ देगा, 25% कर्म साथ देगा। पीला रंग आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। शुभ अंक 3, 12, 21, 30 लाभकारी है। पुखराज रत्न आपके लिए विशेष लाभकारी है। ओम देव कृष्णाय ऊर्ध्व दंताय नमः, इस महामंत्र का धनुराशि वाले जातक आज के दिन एक माला का जप करें। आज आपके भाग्य में बढ़ोतरी दिख रही है, भाग्य उत्तम साथ देगा और पुराने बकाया धन की प्राप्ति का उत्तम योग बन रहा है और साथ साथ यात्रा से भी उत्तम लाभ योग दिखता है, तो आज का दिन आपका विशेष शुभ हो इसी कामना के साथ। मित्रों बात करते हैं अगली राशि मकर राशि का, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और मकर राशि वाले जातक 60% आज आपका भाग्य साथ देगा, 40% कर्म साथ देगा। शुभ रंग काला नीला, शुभ अंक 8, शुभ रत्न नीलम, पूज्य देवता शनिदेव। ओम श्री वत्सलाय नमः, इस महामंत्र का जप करें, आज आपका भाग्य बहुत ही ज़्यादा साथ देगा, तो निश्चित तौर पर आज का दिन आपका शुभ हो इसी कामना के साथ। आज गुस्से पर काबू रखें और दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए कुछ बात सहने की भी ज़रूरत है, तो आज के दिन धन यश और वैभव की प्राप्ति होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ हो इसी कामना के साथ। हम बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। शुभ अंक काला है, शुभ रंग काला, शुभ अंक 8, 17, 26 है और भाग्य आपका 60% साथ देगा, 40% कर्म साथ देगा। शनिदेव विशेष रूप से आप पर कृपा करेंगे, आज अचानक निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, आज 4 लोगों से डिस्कशन करके फिर किसी काम का निर्णय लें। नए जो व्यापार आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें नए तरीके से
प्लान करके व्यापार को करें। साइंटिफिक तरीके से करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। शनिदेव ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस महामंत्र का जप करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव आज आपके ऊपर विशेष कृपा की प्राप्ति कराएंगे। आज आपको विशेष लाभ यश की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातक को धन यश और वैभव की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से जो दिया गया महामंत्र है एक माला जप करें, निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं मित्रों अगली राशि मीन राशि जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव है। शुभ रंग पीला है, शुभ अंक 3 बार 21 30 है, शुभ रत्न पुखराज है, शुभ देवता भगवान विष्णु है। ओम विष्णु आम क्लीम उदताय नमः इस महामंत्र का जप करें। मीन राशि के जातकों को इस मंत्र का जप करने से विशेष लाभ की प्राप्ति, 70% भाग्य साथ देगा, 30% कर्म साथ देगा। जातक को धन यश और वैभव की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से आज के दिन 3 घंटा मौन रहने की जरूरत है। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन प्रतिदिन की तरह विशेष लाभकारी रहेगा। आज आपका दिन शुभ हो इसी कामना के साथ हरे कृष्णा। आज का अशुभ उपाय 7 मई है और आज सभी राशि के जातकों के लिए चमत्कारिक और अनुभव प्राप्त ये भगवान हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए ये अशुभ उपाय भगवान हनुमान जी को गोधूली बेला में पीला सिंदूर चढ़ाएं। सिंघाड़े के हलवा का भोग लगाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का मंत्र बहुत ही चमत्कारिक अनुभव देने वाला है। ओम अंजनी सुताय पवन पुत्राय नमः इस महामंत्र का जप एक माला करके देखें, निश्चित तौर पर आज के दिन चमत्कार होगा। आज का दिन आपका शुभ हो इसी कामना के साथ हरे कृष्णा।